हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी ये मेरे पास हल्दीराम की भुजिया है और अभी हम इसको डालेंगे यहाँ पे और देखिएगा कितनी सारी चिड़िया आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे छत पे पूरा डाल देंगे और ये ख़त्म हो गया। वो देखिए, ये देखिए मेरे दोस्त सब आ गए। खा लो आराम से, ये लो और लो, एकदम बढ़िया से खाओ, झगड़ा नहीं करो। ये थी आलू की भुजिया और ये थी बेसन की भुजिया। तो इन लोगों को बहुत पसंद है, देखिए डेली हम इन लोगों को खिलाते हैं। आई लव बर्ड, बहुत अच्छे लगते हैं ये मुझे। से खाओ, आराम से खाओ, झगड़ा नहीं करो, एक एक करके खाओ, एक एक करके। ये देखिए, ये जो बीच में सेंटर में एक बर्ड है, अब अभी हम जूम करके दिखा रहे हैं। ये जो पतंग उड़ाते हैं ना, और पतंग उड़ाते समय जो उसमें माझा लगाते हैं, उसकी वजह से इसका पैर ख़राब हो गया है। देखिए ये ठीक से चल भी नहीं पा रही है, इसको दोनों पैर ख़राब है। बेचारी किसी तरह से एडजस्ट कर रही है। सोचिए आपकी वजह से इन बेचारे पक्षियों को कितना दर्द होता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी माझा यूज़ ना करें जिसके वजह से इन सबको तकलीफ हो, क्योंकि ये किसी को अपना दर्द बता नहीं पाते हैं, किसी को कह नहीं पाते हैं। तो केयर करिए प्लीज़। ये बेचारे पशु पक्षी जो कि माझा की वजह से पैर गंवा देते हैं, पंख गंवा देते हैं और अपनी जान तक गंवा देते हैं, तो केयर करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। अभी सब लोग खाओ अच्छे से, ठीक है। ये देखिए सूरज भगवान भी ऊपर आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंग में जो मांझा लगाते हैं उसके वजह से पशु पक्षियों को और बहुत सारे जानवरों को कितना हानि पहुंचता है। कभी उनके पंख कट जाते हैं, कभी पैर कट जाते हैं, वो बेचारे किसी से कह नहीं पाते, लेकिन पूरी लाइफ टाइम उनकी एकदम बेकार हो जाती है। अभी मैंने दिखाया आपको कि किस तरह से एक मैना थी जिसका दोनों पैर ख़राब हो गया था। तो प्लीज़ आप लोग पतंग उड़ाएं लेकिन माझा ना लगाएं, क्योंकि माझा इन लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो आप इनका केयर करें और बाकी तो आप सब लोग खुद ही समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।